अब बात करेंगे कोर वर्कआउट की, कोर यानी कि एब्स वर्कआउट। इंडिया के अंदर बहुत सारे जिम्स हैं, हर जिम में ट्रेनर्स हैं एंड सब लोग अपने अपने हिसाब से गाइड करते हैं आपको के एब्स वर्कआउट करने के लिए। और कुछ ट्रेनर्स कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग के बाद आप एब्स वर्कआउट कीजिए, और कुछ ट्रेनर्स आपसे कहेंगे कि वेट ट्रेनिंग से पहले एब्स वर्कआउट कीजिए। कुछ ट्रेनर्स कहेंगे कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन आप एब्स को ट्रेन कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि आप रोज़ या ऑल्टरनेट डेज में आप अपने एब्स को ट्रेन कीजिए। एंड एक और मिथ मैं आपको बताना चाहूँगा एब्स के बारे में, स्पेशली हमारे कोर के बारे में, कि एक एक हज़ार दो दो हज़ार क्रंचेज मारने से या एक एक दो दो हज़ार लेग रेज मारने से एब्स नहीं आते हैं। आप थोड़े ही एब्स मारो, हफ्ते में दो दिन मारो, तीन दिन मारो या रोज मारो, थोड़े ही मारो। सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। लगभग कितने बॉडी के फैट परसेंटेज में आपकी एब्स विजिबल होंगी, लगभग 10-12% अगर जो आपका बॉडी फैट है तो आपकी एब्स विजिबल होती है। एंड देन उससे जितना भी कम होगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी एब्स में होती है। एंड चलिए मैं आपको बताऊंगा कि एब्स कब मारने हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी आप कंफर्टेबल हो तब आप एब्स मारिए, चाहे वर्कआउट से पहले मारिए, चाहे वर्कआउट के बाद मारिए, या वर्कआउट के दौरान एक एक सेट 15-15-20-20 रिपीटेशन का आप मारिए। बट बहुत ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं है एब्स में। बस ध्यान रखिएगा कि हमें इस फैट लॉस प्रोग्राम के दौरान आप ऑल्टरनेट डेज में, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, और या फिर आप रोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम तीन दिन आप एब्स को अपने जरूर ट्रेन करें। एंड बिल्कुल सिंपल, 200 हम लोग मारेंगे लेग रेज और 200 हम लोग मारेंगे क्रंचेस, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं। सेट्स होंगे लगभग, हम सेट्स मारेंगे 30-30 के हिसाब से हम सेट्स मारेंगे, एंड जितने ज़्यादा हो सके उतने मारेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि कम से कम सेट्स में हम अपने 200 क्रंचेस और 200 लेग रेज को कम से कम सेट्स में कवर करें। आइए, लेट मी जस्ट शो यू, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने सेट्स में या किस तरीके से आपको लेग रेज करना है, क्रंचेस मारने हैं, हाथ आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा मसल माइंड कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपको ब्रीद आउट करना है, एंड जब आप मसल को स्ट्रेच करेंगे तब आपको ब्रीद इन करना है। हमारे लेग रेज एंड रिपीटेशन इसकी हमने 25 करी है एंड क्रंचेस। ये सुपर सेट था बैक टू बैक। हमारा टारगेट है कि इन्हीं सुपर सेट्स के थ्रू 200 लेग रेज होंगे और 200 क्रंचेज होंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है एंड ऑफ कोर्स ये बहुत कम भी नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप इनको रोज़ नहीं मार सकते, एंड आप इनको रोज़ भी कर सकते हैं वर्कआउट, मतलब वेट ट्रेनिंग से पहले भी कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। एंड इसको आप ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलिए मैं अपने 200
रिपीटेशंस पूरी करके देन मैं आप सभी अगले एक्सरसाइज में मिलूंगा। टिल देन ओवर।